नमस्कार, स्वागत है आपका वी टाइम न्यूज पर और आपके साथ मैं हूं पहली चौहान। बढ़ते हैं खबरों की ओर। बेगूसराय में निहत्थे और शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे भाजपा कार्यकर्ताओं पर बर्बरता पूर्वक लाठीचार्ज के विरोध में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव का पुतला दहन किया गया। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा आयोजित विरोध दिवस टाउन थाना से शुरू होकर विभिन्न रास्तों से गुजरता हुआ शहर के कैंटीन चौराहा पर पहुंचा, जहां बीजेपी के कार्यकर्ताओं के द्वारा नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव का पुतला दहन किया गया। इस दौरान सरकार विरोधी नारे लगाए गए, पुतला फूंका गया। इस संबंध में भाजपा नेता अमर कुमार अमर ने कहा कि पटना में बर्बर लाठीचार्ज और आंसू गैस छोड़े जाने का मैं प्रत्यक्ष गवाह हूँ। उन्होंने कहा कि मेरे साथी विजय सिंह आगे बढ़ रहे थे, तभी एक गोला बीच में गिरा और जिसके बाद अफरातफरी का माहौल उत्पन्न हो गया। इसके बाद लगातार लाठी चार्ज होने लगा और कार्यकर्ता एक दूसरे के शरीर पर गिरने लगे और इसी बीच विजय सिंह नीचे गिर गए और लाठी का प्रहार खाकर गिर गए, जिसके बाद उन लोगों के द्वारा उन्हें एक अपार्टमेंट में ले जाया गया जहां उनकी मौत हो गई। ये मनगढ़ंत कथा है, ये कहानी बना रहा है अपने ऐप को छिपाने के लिए, क्योंकि पूरी तरह की उसका बोल खुल चुका है सरकार का। वो झूठ मूठ का एक प्रोपगंडा चला रहा है, कोई फुटेज नहीं है, कोई साक्ष्य प्रूफ है तो बतावे, कोई प्रूफ नहीं है। शांतिपूर्ण मार्च निकाला गया था और शांतिपूर्ण ढंग से मेरा कार्यकर्ता भारतीय जनता कार्यकर्ता आ रहा, जबरदस्ती लाठी चार्ज किया कि इतनी जनसंख्या देख के ये लोग भाग जाए, हमारा जान नहीं पाए, हमारा भ्रष्टाचार में डूबी हुई सरकार अपनी हेल्प छुपा रही है, कोई प्रूफ नहीं था उसमें। जिनकी मौत हुई है वो बता रहे हैं कि उनके लाठी चार्ज से नहीं हुए, उनके हार्ट अटैक का नहीं, हम लोग साक्षात गवाह है। रिक्शा पर लोड करने वाले हैं, मारा है लाठी, सीसी कैमरा भी उनका कपड़ा फटा हुआ, आप रिक्शा पर देखे पूरा कपड़ा उसका चित्र फटे हुआ है। ये पूरी जांच की विषय है सरकार, और जांच करावे कुछ भी करा सकता है, लेकिन वहाँ पर रिक्शा पर लोड करा के महिला सब वहाँ गवाह है, सारे कार्यकर्ता गवाह है, हम लोग वहाँ साक्षात कराए, कुछ भी बोल सकती है सरकार, उनकी है, पुलिस उनकी है, अरेस्टंट उनकी है और सब कुछ उनका है, जबकि परमिशन लेकर शांतिपूर्ण मार्च निकाला गया था, अब कहते हैं परमिशन ही नहीं लिया गया। आगे की रणनीति क्या है आप लोग का? हमारा आंदोलन यहाँ से लेके ब्लॉक से लेके जब तक सरकार इस पर कुछ फैसला नहीं लेती है, हमारे कार्यकर्ता जो मारे गए उस पर सही दिशा नहीं लेती है, तब तक हम जिला से लेके मंडल से लेके प्रखंड तक आंदोलन को जारी रखेंगे। बरबर गोली कांड और आंसू गैस छोड़े जाने का मैं प्रत्यक्ष गवाह हूँ और मेरे सामने विजय सिंह आगे बढ़ रहे थे और इसी बीच एक गोला बीच में गिरा और गिरने के बाद अफरा तफरी मच गई। अफरा तफरी मचने के बाद लगातार लाठी चार्ज होने लगा, कार्यकर्ता एक दूसरे पर गिरने लगे और इसी बीच में विजय नीचे दब गए और लाठी का प्रहार खाकर बेहोश हो गए। उनको वहां से लेकर हम लोगों ने अपार्टमेंट बगल में ले गए जहां पर वो अपना दम तोड़ दिए। इसीलिए और हम साफ साफ कहना चाहते हैं कि विजय की रिपोर्ट आने से पहले, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने से पहले डीएम को कैसे पता है कि विजय की मौत कैसे हुई? कोई पुलिस ऑफिसर कह रहा है कि विजय वहां थे ही नहीं। मैं वीडियो फुटेज जारी कर रहा हूं और मैं बता सकता हूं कि किस तरह से विजय आगे आगे तख्ती लेकर चल रहे थे। ये बर्बर गोलीकांड लाठीचार्ज जेपी आंदोलन की याद दिलाता है। ये पहली बार हुआ है और नीतीश के भ्रष्टाचारी सरकार को जाना होगा। भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से लालू यादव के कुशासन को निजात दिलाने के लिए 15 साल तक संघर्ष किया, इसी तरह से नीतीश और तेजस्वी की सरकार को हटाने के लिए गांव गांव कस्बे कस्बे में भारतीय जनता पार्टी आंदोलन करेगी और जब तक नीतीश सरकार को उखाड़ नहीं फेंकेंगे तब तक भारतीय जनता पार्टी का यह आंदोलन चलता रहेगा।